पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका पे तो पूरा भरोसा किया था कि वो हमारी नैया पार लगाएगी, बट श्रीलंका ने तो हाथ खड़े कर दिए कि हमसे ना हो पाएगा भैया। श्रीलंका पे किया गया भरोसा पूरा तरह से फ्लॉप रहा। अब यहाँ पे पाकिस्तान की टीम ने डिसाइड किया कि वो खुद से अपनी नैया को पार लगाए। तो रिसेंटली बाबर आजम ने एक इंटरव्यू भी दिया, वहां से एक वीडियो क्लिप आया जो आप वीडियो आप देख सकते हैं। प्लानिंग के साथ कि हमने पहले 10 ओवर कैसे खेलने हैं, अगले 20 कैसे करने हैं, हमने वो जो टारगेट है उसको कैसे अचीव करना है, उसमें बहुत सी चीजें आती हैं। पार्टनरशिप, आपको कौन सा प्लेयर कितने देर अंदर रहे, वो ज़्यादा मेन। अगर मैं से पूछे तो मैं चाहूँगा तो फकर अगर 20 आवर या 30 आवर भी अंदर रहे तो हम इस चीज़ को अचीव कर सकते। बाबर आजम का यहाँ पे कहना ये है कि हमने पूरी प्लानिंग की हुई है कि किसको कितनी पार्टनरशिप कर रही है, देन कितने ओवर में कितने रन्स बनाने हैं। देन पाकिस्तान के पूरा टीम के उम्मीदी सिर्फ फकर जमान के ऊपर। इनका ये कहना है कि फकर जमान अगर 20 से 30 ओवर तक रहते हैं क्रीज पे तो हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं। सो गाइस कल के मैच में पाकिस्तान तो पूरी प्लानिंग के साथ उतरने वाली है। आपका क्या कहना है इस पे कमेंट्स में जरूर बताना कि पाकिस्तान हमें टारगेट अचीव कर सकती है और क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सेमीफाइनल मुकाबला कोलकाता में देखने को मिलेगा हमें या नहीं मिलेगा। जो भी आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट बात करने वाले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में। तो गार्डियन की तरफ से अपडेट सामने आया, डिज्नी स्टार वांट्स चैंपियंस ट्रॉफी 2025 टू बी इन द T20 फॉर्मेट। तो यहाँ पे अपडेट के 2025 चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला जो कि पाकिस्तान होस्ट करने वाली है। कहीं ना कहीं गाइस वो T20 फॉर्मेट में हो सकता है। अब यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है इसी तरफ से, बट यहाँ पे रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि T20 फॉर्मेट में हो सकता है। काफी सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कि T20 फॉर्मेट में क्यों किया जा रहा है। यहाँ पे काफी सारे रीजन बाहर निकल के आए हैं। फर्स्ट रीजन यहाँ पे ये है कि 2024 में T20 वर्ल्ड कप है। सेकंड रीजन यहाँ पे ये बताया गया कि एशिया कप 2025 में जो होने वाला है वो भी कहीं ना कहीं T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इसके अलावा 2026 में T20 वर्ल्ड कप भी होगा। 2028 में जो ओलंपिक्स होने वाला जहाँ पे क्रिकेट को एड किया गया रिसेंटली वो भी गाइस T20 फॉर्मेट में ही खेला जाएगा। तो इन सब रीजंस को देखते हुए गाइस 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी को भी T20 फॉर्मेट में किया जाने की संभावना है। नेक्स्ट बात करने वाले वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल्स के बारे में। तो यहाँ पे अपडेट सामने आया, ICC has invited all the World Cup winning captains including chairman PTI इमरान खान to the final of the World Cup event in India. According to reports, World Cup 2023 के फाइनल के लिए BCCI ने सारे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को इन्विटेशन भेजा गया है ताकि वो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला आके देख सके, इंक्लूडिंग इमरान खान को भी भेजा गया है क्योंकि 1992 में पाकिस्तान चैंपियंस बनी थी जिसके कैप्टन इमरान खान थे। तो BCCI ने इन्विटेशन दे दिया। अब देखना यह है कि इमरान खान इंडिया आते मैच को देखने के लिए या फिर नहीं। नेक्स्ट बात करने वाले रचिन रविंद्र के बारे में। तो रविंद्र ने ऐसा ट्वीट डाला था, हेलो RCB ट्वीट्स फैंस @IPL करके। तो गाइस यहां पे काफी सारे लोग ये गेस कर रहे थे और काफी सारे लोग ये कह रहे थे कि रचिन रविंद्र के फेवरेट टीम RCB है और क्या IPL 2024 के लिए RCB की टीम रचिन रविंद्र को परचेस करने वाली है। तो काफी सारे लोगों का यहां पे यही कहना है कि RCB की टीम शायद IPL 2024 के ऑक्शन में रचिन रविंद्र को परचेस कर सकती है। तो अभी तक अगर आपको IPL का ऑक्शन के बारे में नहीं पता तो रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करने वाले ऋषभ पंत के बारे में। दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए काफी अच्छी न्यूज सामने आई है। गांगुली कन्फर्म लीड दिल्ली कैपिटल्स इन IPL 2024। स्पोर्ट्स तक में सौरभ गांगुली ने कंफर्म किया कि ऋषभ पंत IPL 2024 में दिल्ली कैपिटल्स को लीड करने वाले हैं, यानी कि ऋषभ पंत 2024 के IPL तक पूरी तरह से फिट हो जाएंगे और मैचेस के लिए अवेलेबल रहेंगे और दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी भी IPL में वही करने वाले हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स के फैंस वीडियो को लाइक कर देना। एंड लास्ट बात करने वाले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के बारे में। एज पर रिपोर्ट, सूर्य कुमार यादव और ऋतुराज गायकवाड़ लाइकली टू लीड टीम इंडिया इन द T20 सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे रिपोर्ट सामने आ रहा है जो T20 सीरीज होने वाला इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, इस सीरीज में कप्तानी की जिम्मेदारी है तो ऋतुराज गायकवाड़ को या फिर सूर्य कुमार यादव को दी जा सकती है। रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी के साथ साथ विराट कोहली के अलावा बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स को रेस्ट दिया जा सकता है। भुवनेश्वर कुमार को इस सीरीज में मौका मिल सकता है। रियान पराग के अलावा भी रिंकू सिंह को साथ इस सीरीज में मौका मिल सकता है। तो जैसे टीम इंडिया स्क्वाड अनाउंसमेंट करती है आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। तो यही कुछ न्यूज आपको देने थे आज की इस वीडियो में, बस इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना ऐसे स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज सबसे पहले जानने के लिए।